नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों को बहुत बहुत नमन। आज का दिन 19/5/2021 बैसाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 12:50 तक 12:50 के बाद अष्टमी तिथि का आगमन होगा। आज का नक्षत्र है अश्लेषा 3:48 तक 3:48 के बाद मघा नक्षत्र का प्रवेश होगा। तो चले आज के राशिफल पर। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है अश्लेषा नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में 3:48 तक दोपहर, तो 3:48 तक आपका दिन बड़ा ही शुभ है, हर काम बहुत ही सुगम तरीके से होगा। 3:48 के बाद चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे और जब केतु के नक्षत्र में जाएंगे तो केतु आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। केतु शनि के नक्षत्र में है, काम धाम का नुकसान होगा। 3:48 के बाद कोई भी नया काम शुरू न करें, पैर में चोट लगने की संभावनाएं हैं, ध्यान दें। संतान पक्ष से अच्छे खबर सुनने को मिलेंगे, संतान पक्ष का भी पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स होंगे। काम धाम की स्थिति 3:48 के बाद अच्छा नहीं है, 3:48 के बाद कोई नया काम शुरू न करें या पूरा ध्यान दें अपने कामों पर। आज के दिन आज आप केतु के मंत्रों का जाप करें या आप अपने माथे पर तिलक लगाएं, अष्टगंध का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, ये आपको लाभ देगा, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं अश्लेषा नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में 3:48 दोपहर तक, तो ये समय काफी अच्छा है। 3:48 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में और केतु खुद शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और शनि आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं, तो 3:48 के बाद भी आपका दिन बहुत ही अच्छा होगा, भाग भाव बहुत प्रबल रहेंगे और आप कोई भी अगर कार्य करते हैं तो पूरी ईमानदारी मेहनत और पराक्रम से करें, आज आपका कार्य होगा, हर कार्य सफल होंगे। यात्रा का प्रबल योग है, यात्रा में नुकसान हो सकते हैं तो यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। 3:48 के बाद आप कर्ज की कोशिश करते हैं लेने की तो कर्ज भी आपको मिलेगा, मित्र भी आपको सहयोग करेंगे क्योंकि बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके पर रही है कर्ज भाव पर, तो 3:48 के बाद आप कर्ज लेके अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। कुल मिला के दिन आज आपका बहुत ही अच्छा है। शनि के मंत्रों का जाप करें, ओम प्रम प्रेम प्रोम सनचराय नमः, या शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाएं, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र में और शनि आपका अष्टम में बैठा हुआ है, पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। 3:48 दोपहर के बाद चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे, केतु आपके छठे स्थान में बैठा हुआ है शनि के नक्षत्र में, अचानक कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है लेकिन कर्ज लेने की कोशिश ना करें, खर्च की अधिकता बढ़ी हुई रहेगी। जीवन साथी से लाभ मिलेगा, पार्टनर से लाभ मिलेगा, मित्र शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, तो सावधान रहें। फिफ्थ स्थान का स्वामी आपका सूर्य बाड़मेर में बैठा हुआ है, अधिक पराक्रमी बनने की कोशिश ना करें, पूर्ण संयम में रहें। 3:48 के बाद आपको फायदा होगा, डूबा हुआ पैसा मिलेगा लेकिन
अपने पर संयम रखें, धैर्य रखें। आंख में प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके, डॉक्टर से दिखलावे। आज के दिन आप बुध के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश जी के 108 नाम का जाप करें, बहुत ही लाभ होगा। दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रमा आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, बुध के नक्षत्र में, और बुध आपके ग्यारहवें में बैठा हुआ है। लाभ ही लाभ है, अनेक स्रोतों से लाभ होंगे आपके। आय का स्थिति अनेक स्रोतों से होगा, परंतु थोड़ा पेट पे ध्यान दे, पेट से परेशानी हो सकती है। 3:48 के बाद दोपहर में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे, और केतु शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। जो युवा प्रेमी प्रेमिकाएं बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनका आज लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा और उनका संबंध टूट जाएगा, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो हर मामले में संयम रखें। आज के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ावे, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। दिन कुल मिला के मध्यम है। 3:48 के बाद दिन थोड़ा सा मध्यम ज्यादा रहेगा, तो सावधानी बरतें, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, चंद्रमा आज आपके 12वें में बैठे हुए हैं, दोपहर के बाद चंद्रमा आपके 11वें में भी चले जाएंगे। 3:48 के बाद 11वें में जाएंगे और केतु के नक्षत्र में रहेंगे। लाभ होगा, माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, कर्ज लेने की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन कर्ज आपका फायदेमंद होगा। कर्ज लेके आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। 3:48 से चंद्रमा जब केतु मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो आपके बहुत सारे डूबे पैसे मिल सकते हैं। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से भी लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप के धंधा करने वाले को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर दिन आपका अच्छा है। व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग न करें, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अधिक पराक्रमी बनना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो ध्यान रखें। आप सूर्य को जल चढ़ावें, ओम घिरणीय सूर्याय नमः, ओम घिरणीय सूर्याय नमः। सुबह सुबह उठकर अगर अपने पिता से आशीर्वाद लेते हैं आप, चाहे जिनके पिता नहीं हैं, वो अपने पिता के तस्वीर के सामने जाके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो दिन आपका काफी लाभकारी रहेगा, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रमा आपके आय भाव में 3:48 तक बैठे हुए हैं, उसके बाद चंद्रमा लक्ष्मी योग बनाएंगे आपके कर्म भाव में। दिन बड़ा ही शानदार है, आपका पराक्रम काफी बढ़ा हुआ रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं, पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, लेकिन दिन आज आपका बहुत अच्छा है। अपने पराक्रम के बदौलत आज आप हर काम को पूरी कर लेंगे। भाग आज आपका बहुत ही प्रबल है, बहुत ही प्रबल है। जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है, उनका पराक्रम काफी बढ़ा हुआ रहेगा, परंतु उनके भाग दौड़ इतने ज्यादा रहेंगे कि जिससे उनको परेशानी होगी, लेकिन कर्म से आज आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होना तय है। और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तो आज आपके भाग भी प्रबल हैं, कर्म भी प्रबल हैं, तो कर्म करते हुए भाग का सहारा ले, भाग से कर्म का सहारा नहीं मिलेगा। कर्म करते हुए अगर भाग का सहारा लेते हैं तो दिन आपका बहुत ही बेहतरीन है। आज आप लाल गाय को एक बाल्टी पानी पिलाएं और हरा चारा खिलावे, बहुत ही लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रमा आपके दशम स्थान में 3:48 तक हैं, उसके बाद चंद्रमा आपके चले जाएंगे भाग स्थान पर। 3:48 के बाद भाग आपका बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाएगा, और
पराक्रम भी बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। तो 3:48 के बाद दोपहर में कोई भी काम करना हो तो 3:48 दोपहर के बाद आप करें, धन की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति शेयर सट्टा लॉटरी करते हैं, वैसे तो शेयर तो बड़ा अति है लेकिन सट्टा लॉटरी उचित नहीं है, शेयर का अगर काम करते हैं तो 3:48 का 3:48 के बाद आपको लाभ ही लाभ होगा, संतान पक्ष से भी लाभ होंगे आपको। लेकिन जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, एक चीज याद रखें कि उच्चाधिकारियों से उनको बहस हो सकती है, झंझट हो सकती है, उच्चाधिकारियों के आदेश को न मानने से वो सस्पेंड और हर तरह का प्रॉब्लम उनको हो सकता है। तो अपने पर धीरज रखें, आपके अधिकारी जो आपको आदेश देते हैं उसका पालन करें। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकता है, सर्दी खांसी की प्रबलता रह सकती है, तो थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दें। एक आंख में भी तकलीफ हो सकती है, उस पर भी ध्यान दें। आज आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें, ओम द्रौम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। चाहे 1.25 किलो दही का दान किसी बुजुर्ग को करें, साथ में चीनी। दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं। 3:48 तक भाग आपका बहुत ही प्रबल रहेगा, हर काम को आप कर लेंगे। 3:48 के बाद मानसिक अशांति आपको ज्यादा हो जाएगी, गुस्सा आपको बहुत तेज आएगा। लेकिन पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ हो सकता है आपको, पैतृक संपत्ति के जर जमीन से भी आपको लाभ हो सकता है। बहुत सारे पैतृक संपत्ति जो आपके डूब गए थे, केस मुकदमा चल रहा था, उसमें आप विजयी हो सकते हैं। पार्टनरशिप के धंधे में आपको लाभ होगा। लेकिन 3:48 के बाद मानसिक अशांति रहेगी, गुस्से की अधिकता रहेगी। जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर से प्रभावित है वो काफी ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर उनका काफी बढ़ सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें या मंगल के मंत्रों का पाठ करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, इन मंत्रों का पाठ करें। दिन आपका लाभकारी होगा, दिन आपका शुभ हो। धनु राशि, चंद्रमा आज आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। 3:48 के बाद चंद्रमा आपके सप्तम में चले जाएंगे, केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु आपका 12वें में बैठा हुआ है। जो व्यक्ति विदेश से कार्य करते हैं, नेट इंटरनेट पर कार्य करते हैं, संचार माध्यम में कार्य करते हैं, उनको काफी सफलता मिलेगी, अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, उनके के लिए दिन बहुत ही अच्छा होगा। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करते हैं वो ध्यान दें, आपके पार्टनरशिप हाउस का स्वामी बुध 6वें में बैठा हुआ है, यानी कि आपके भाव से 12वें में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, पार्टनरशिप से आपको नुकसान हो सकता है, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। तो दिन 3:48 के बाद आपके कुछ अच्छे हैं, अपने ऊपर संयम रखें, अपने पराक्रम पर संयम रखें, बहुत ज़्यादा पराक्रम बढ़ जाएगा जो आपको नुकसान देगा। आज आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें या माथे पर हल्दी चंदन और केसर का तिलक लगावें, लाभ मिलेगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। 3:48 के बाद 6वें भाव में चले जाएंगे, काट देना इसको 3:48 के बाद चंद्रमा आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। तो आज आपके लिए दिन 3:48 के बाद घटना दुर्घटना का ज्यादा होगा, मगर मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। जो मित्र आपके पैसे लेके रखे हुए हैं वो आपको पैसे लौटा देंगे, उनसे आज आपको लाभ होने की संभावना है। आय के स्रोत कई ढंग से आपके खुलेंगे और आय होगा आपको। संतान पक्ष से निराशा हो सकती है, विशेष करके कन्या संतान से। आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, सर्दी खांसी से बचें, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, माता के स्वास्थ्य में हानि होगी। कुल मिला के दिन 3:48 के बाद थोड़ा ज्यादा खराब है, लेकिन आय का स्रोत कहीं ना कहीं से बनेगा। आज आप शनि के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें,
सुंदरकांड का पाठ करें, आपको लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। चंद्रमा आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं, 3:48 के बाद सातवें स्थान में सिंह राशि में चले जाएंगे। जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि में जाएंगे 3:48 में, तो वो केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। आज आप कोई काम का प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आज आपका प्लानिंग इतना ना ऊपर होगा, औकात से ज्यादा होगा, जो आपको नुकसान करेगा। अपने हद में रखते हुए कोई भी नए कार्य की शुरुआत आज आप कर सकते हैं 3:48 के बाद, दोपहर के बाद। पराक्रम काफी बढ़ा हुआ रहेगा आपका, पराक्रमी बहुत ज्यादा रहेंगे आप, संतान पक्ष भी आपका ज्यादा पराक्रमी हो जाएगा, तो इससे बच के रहे। कुल मिलाकर नए काम शुरुआत करने के लिए आज दिन बहुत अच्छा है, आप नया काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन काम शुरू करने के लिए एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप अपने आप को पहचानते हुए काम करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि की सरस्वती आपको चल रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। 3:48 के बाद दिन आपका अच्छा है, दिन आपका शुभ हो। अंतिम राशि मीन, चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं बुध के नक्षत्र में, 3:48 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे सिंह राशि में केतु के नक्षत्र में। केतु आपके भाग भाव में बैठा हुआ है, भाग से बहुत सारे कर्ज आपको मिलेंगे, भाग बहुत प्रबल रहेगा। केतु भी शनि के नक्षत्र में है और शनि जो है आय भाव में बैठा हुआ है, आज का दिन बड़ा ही शानदार है। जो व्यक्ति जमीन जायदाद का काम करते हैं, जो व्यक्ति मकान कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए बेहद शानदार दिन है। घर में बैठना छोड़िए, लोगों के संपर्क में आए, मित्र आपको फायदा पहुंचावेंगे। भाग बहुत ही प्रबल है आज के दिन आपका, जहां से भी आपको पैसा मिलने की उम्मीद है लग जाए, आज के दिन आपका काम होगा। हर तरह से आज का दिन अच्छा है। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, बृहस्पति आपके बारहवें में बैठा हुआ है, मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। बृहस्पति भी आपको जमीन जायदाद में फायदा दिलाएंगे। अब बृहस्पति के मंत्रों का जाप करके घर से निकले, लेकिन कोरोना चल रहा है, बहुत जरूरी हो तब निकले, संचार माध्यम से ही बात करें, आज का दिन बेहतरीन है। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप, बृहस्पति के मंत्रों का जाप बहुत ही लाभकारी होगा। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी बहुत लाभकारी होगा आपके लिए। तो अच्छे दिन में अच्छे कार्य करें, और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, आपका कर्म ही आपको अच्छा या बुरा बना सकता है। अगर आप कर्म करेंगे तो बुरे दिन भी आपके अच्छे हो जाएंगे, भाग के सहारे बैठेंगे तो अच्छे दिन भी आपके बुरे रूप में परिणित हो जाएंगे। तो अपने बाजू को मजबूत करें और कार्य करें। कोरोना काल में सरकार के दिए हुए हर निर्देश का पालन करें। हम लोगों के सहयोग से ही सरकार कार्य करती है, केवल सरकार के कार्य का आलोचना करना उचित नहीं है, सरकार के अच्छे काम को भी ध्यान दें। हम आम नागरिक हैं, हम पॉलिटिशियन नहीं है कि मेरा काम अपोजिशन में केवल विरोध करना है। सरकार के अच्छे काम की सराहना करें, सरकार अच्छी काम कर रहे हैं उसकी सराहना करें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हर सरकार जुटी हुई है हम लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। और हम लोग का भी दायित्व होता है कि सरकार को सहयोग करें, कोरोना काल में अपने आप को घर से बाहर ना निकाले, मास्क लगाए रहें, साथ में एक काम और जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पुनः मैं कल आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।